ऑफ वडोदरा। WWF फ्रंटलाइन वॉरियर्स द्वारा आज 77वां स्वातंत्र्य पर्व पर ध्वज वंदन सहित भव्य कार्यक्रमों योजवामां आव्या। 77वां राष्ट्रीय आजादी दिवस उपलक्ष्य में वडोदरा शहर WWF फ्रंटलाइन वॉरियर्स परिषद स्वयंसेवक और रामेश्वर साईनाथ मंदिर स्वयंसेवक संगठन संयुक्त उपक्रमें आजादी अमृत महोत्सव अंतर्गत राष्ट्रीय पहला हमेशा पहला 2023 सरकारी रचित ध्येय निमित्ते अकुडा विस्तार 90 बाड़कों ने रामेश्वर साईनाथ मंदिर खाते एकत्रित कर ध्वज वंदन भव्य कार्यक्रम योजवामां आव्यो, जेमां बाड़कों ने सेवाना भागरूपे थवा बदल सेवा कार्य संयोजक रामेश्वर साईनाथ मंदिर पुजारी अनिल भाई अने सौजन्य रूप जोड़ाता WWF फ्रंटलाइन वॉरियर्स संस्थापक डॉक्टर सैनी द्वारा बने संस्था स्वयंसेवक संयुक्त उपक्रमे ध्वज वंदन साथ साथ बाड़कों माटे भोजन वितरण कपड़ा वितरण और स्टेशनरी वितरण आयोजन करवामां आव्युं हतुं। अकोड़ा विस्तार रहीशो जोड़े WWF फ्रंटलाइन वॉरियर्स परिषद स्वयंसेवक जेवा के वडोदरा वकील मंडल सभ्य वकील प्रदीप भाई VHP चेतन भाई सौथी नानो WWF फ्रंटलाइन वॉरियर निशेव सैनी साथे साथे बीजा अन्य स्वयंसेवक जेवा के BJP वरिष्ठ कार्यकर्ता अने भूतपूर्व कॉर्पोरेटर किशन शेठ की पत्नी भावनाबेन शेठ पण आ कार्यक्रम में जोड़ाया। मातरम आज का दिन हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है, भारतवर्ष का 77वां इंडिपेंडेंस डे हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया सेवा कार्यक्रम के द्वारा। रामेश्वर साईनाथ मंदिर हमारे विस्तार का और मधुरा शहर का गौरव है, क्योंकि यहाँ पे नियमित रूप से भंडारा होता है, तो हमने ध्वज वंदन के साथ में यहाँ पे बच्चों को खाने का वितरण करके और साथ में कपड़ों का भी वितरण किया है। इसमें हमें सहयोग दिया है बहुत सारे कार्यकर्ता स्वयंसेवक और अधिकारियों से, तो हम उनका आभार मानते हैं। और आगामी दिनों में हम ऐसे ही सेवा कार्य पूरा कर सकें, तो इसमें हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ पे भक्तिशाली रूप से अपने सेवा में जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे जुड़े, और इस तरीके से बच्चे जो हमारा फ्यूचर है देश का, तो उसके लिए उनके लिए जितनी सेवा कर सकें उतना कम है, तो आप भी जुड़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तैयार कर सकें, ताकि भारतवर्ष एक बहुत मजबूत देश बनेगा आगामी दिनों में। और जब हम इंडिपेंडेंस डे आगे के दिनों में मनाएं, तो हम सही रूप में आज़ादी मनाएं, जिसमें हम सभी रूप से सक्षम हों। धन्यवाद। आज श्री रामेश्वर साईनाथ मंदिर तरफ थी 15 ऑगस्ट का शुभ अवसर ध्वज वंदन करवामां आव्युं अने नाना बाळकों ने नास्तो वितरण करवामां आव्युं छे। अने डॉक्टर सैनी साहेबना तरफ थी नाना बाळकों ने कपड़ा पण वितरण करवामां आवशे, जे माटे अमारा साईनाथ શ્રી રામેશ્વર સાઈનાથ મંડળ સૈની સાહેબ તો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કરીએ છીએ। મેં શ્રી પીએસ બેનર્જી જે નિદેશક ભારત સરકાર શ્રમ એવું ઉદ્યોગ મંત્રાલય ઓર સે યહાં પર આજ કે સ્વતંત્રતા દિવસ સમારોહ કે લક્ષ્ય મેં WWF फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो NGO है उन्हें बहुत रूप से काम करते हैं, उनके सहयोग से यहाँ अकोटा विस्तार में जो साईनाथ सेवा ट्रस्ट है अकोटा में, उनके तहत से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होता जो है उसका प्रधानमंत्री का कार्यक्रम किया गया। साथ ही जो स्ट्रीट चिल्ड्रेन है और उनको वर्ग के सभी परिवार के जो बच्चे हैं उनके लिए एक संस्कार
विचार का कार्यक्रम और उनको राष्ट्रभक्ति में हो और उन्हें देश के आने वाले समय के अंदर अच्छे नागरिक बन करके अच्छी तरह से अपना योगदान करें, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें और राष्ट्रभक्ति नागरिक होकर के हम जो ये आज़ादी का अमृत पर्व मना रहे हैं उसमें आने वाले समय के अंदर वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें, अपने घर में परिवार में राष्ट्र विकास में योगदान दें, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, इसके भविष्य के लिए उज्ज्वल काम करें। इस तरह से ये जो भी काम कर रहा है मुझे यहाँ पर इस क्षेत्र में रहता हूँ मुझे यहाँ पर आकर के बहुत गौरव अनुभव हो रहा है। मैंने देखा कि यहाँ पर जो बच्चा ये काम कर रहा है पूरा है वो पूरे देश के अंदर पूरी तरह से राष्ट्र के अंदर जो एन जी ओ काम कर रही है वही उद्देश्य देश का भी है जो हमारा भविष्य आप लोग मजबूत होंगे वही राष्ट्र निर्माण अच्छी तरह से हो पाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का हमारे देश का सभी का हमारा स्वप्न तो है हम एक विकसित राष्ट्र 2043 तक होंगे तो हो जाए तो इसके लिए कौन करेगा। तो आप लोग युवा पीढ़ी जो है अच्छी तरह से पढ़ेंगे लिखेंगे घूमें सबसे सबका संस्कार करेंगे और राष्ट्र के मेन तीन लाइन में विकास में कुछ ना कुछ डॉक्टर इंजीनियर अच्छा पढ़ाई लिखाई करके आप कुछ भी हो सकते हैं। आज बच्चे जो है हम लोग वही भविष्य है ना लोगों को सबको संकल्प लेना चाहिए आज के लिए समाज का एक अच्छा नागरिक बने ठीक है और राष्ट्र हित को सर्वप्रथम ध्यान में रखें कि आने वाले समय में जो भी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी तो मैं भी निरंतर आता हूँ ठीक है। मुझे यहाँ पर इस अवसर कार्यक्रम में आपने शू तुमने अनुभव थो आज रोज साईनाथ मंदिर द्वारा सेवा कार्य थू सैनिकी एन जी ओ द्वारा सारू एवं सेवा काम थे अँ बदा बाड़को उपस्थिति आपी आ लोग आप देश भविष्य है आवी रीते वडोदरा सारा नागरिकों बाड़कों सारो प्रयत्न कर रहा है एम अमने भाग लेवा मौको मब्यो जी एम आभार मानिए अने आजना 15 ऑगस्ट सौ ने शुभकामनाओं।